इस तरीके से लेके बालों पे पुट कर लिया। जस्ट 2 मिनट के अंदर आपका एक परफेक्ट, नॉट बैड यार, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट में इन्हें करती हूँ, आई मीन कर्ल वाले, और साथ में बीच बीच में इनको भी यूज कर रहे हैं। फुल ओरिजिनल एंड रियल नजर आ रहे हैं। अगर Hey guys, welcome back in my YouTube channel. I hope you all are well. आज हम कुछ बिल्कुल नया एंड डिफरेंट अतरंगी ट्राई करने वाले हैं। आप लोगों से मैंने पूछा था ना कि क्या मैं मीशो की जो हेयर एक्सटेंशन है उन्हें ट्राई करूं, आप लोगों ने मुझसे बहुत आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि यस, तो मैंने बहुत सारे हेयर एक्सटेंशन बाय कर लिए मीशो से डिफरेंट डिजाइन में एंड स्टाइल में। वो आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं कि क्या ये हमारे बालों पे एकदम नेचुरल एंड रियल लुक देने वाले हैं या नहीं, ये जस्ट फेक या बहुत ही फंकी लुक मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के मैंने हेयर एक्सटेंशन बाय किए हैं जो कि पता नहीं मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस हॉल पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मीशो का या अमेजोन का ये भी बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मैंने आपकी बात मानी, मैं भी शायद आपको थोड़ी सी मेरी भी बात मान लेनी चाहिए, है ना। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस हेयर स्क्रंची से, जो कि मैंने सिर्फ 123 रुपीज में बाय किया है। अभी मैंने बालों पे जो बन बना रखा है ना, ये हेयर स्क्रंची के थ्रू ही बना रखा है, जिससे एकदम ये रियल बन लग रहा है। अब यहाँ पे फुल लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने किसी हेयर एक्सपर्ट से अपना हेयर स्टाइल क्रिएट करवाया, और बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं था। जस्ट मैंने अपने बालों को पिन से सिक्योर किया और इसे इस तरीके से लेके बालों पे पुट कर लिया। कितना इजी है ना, कितना सुंदर बन लग रहा है। अगर आप इस तरीके से कोई भी एथनिक ड्रेस पहन रहे हैं, आपको पार्टी फंक्शन में जाना, इंस्टेंट जस्ट 1 मिनट के अंदर आपका हेयर स्टाइल तैयार हो जाएगा। और इतना ज्यादा सस्ते प्राइस में, सिर्फ 123 रुपीज में मैंने बाय किया है। लिंक एंड कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये तो आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि समटाइम में समझ में नहीं आता कि हम साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, कि कैसा हेयर स्टाइल क्रिएट करें। मैं तो जस्ट बालों को लपेटती हूँ, और ये मैंने अभी बाय नहीं किया, ये मैंने काफी पहले से परचेज करके रखा हुआ है। बट इस वाले हॉल में मैंने इसे इसलिए इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि पूरा ही हॉल हेयर एक्सटेंशन के ऊपर है। तो अभी आप पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। सेकंड, मैंने ये हेयर एक्सटेंशन बाय किया जो कि ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ये एक तरीके से क्लच के साथ अटैच है, तो जब भी आप पोनी टेल बनाते हैं, हमारी पोनी बहुत ही हाई होती है, पोनी बहुत ही पतली होती है, जिसकी वजह से वो बाउंस नजर नहीं आता है। अगर आप नॉर्मली भी कोई हेयर स्टाइल बना रहे हो, कोई अच्छा सा लुक क्रिएट कर रहे हो, और उसमें आप चाहते हो कि हाई पोनी टेल बनाओ या बालों को कर्ल करो, तो बाउंस नजर नहीं आता है। ये हेयर एक्सटेंशन आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक क्लच मिलेगा, जस्ट आपको पोनी बनानी है और पोनी के ऊपर इस क्लच को इस तरीके से अटैच कर देना है। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप पहले पोनी टेल बना लीजिए, काफी स्मूथ, आप कॉम करके कर सकते हैं। अभी तो जस्ट मैं आपको डेमो दिखाने के लिए कर रही हूं, और मेक श्योर कि आप ब्लैक रबड़ का ही यूज करें ताकि वो उसमें नजर ना आए। और उसके बाद फिर आप इसे टाइट करके देन आप इस क्लच को अपनी पोनीटेल में इस तरीके से टक कर सकते हैं। जस्ट 2 मिनट के अंदर आपका एक परफेक्ट हेयर स्टाइल रेडी हो जाएगा। बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल इस एक्सटेंशन से बड़े हैं, तो वो नीचे से नजर आते हैं। तो जब मैं इसे यूज करती हूँ ना, तो मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके उस क्लच में ही टक कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर वो नजर नहीं आते हैं। या फिर मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं इन्हें भी नीचे से कर्ल कर दूं, तो फिर एक जैसा लुक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल शॉर्ट या मिड लेंथ के हैं, देन ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल हो सकता है, क्योंकि ये हेयर स्टाइल हर एक ड्रेस में चल जाएगा। और इस तरीके का हेयर स्टाइल अगर आप पार्लर में जाके करवाते हैं, तो आप जानते हैं कि हेयर स्टाइलिस्ट कितना पैसा लेगा। और यहाँ पे हमें जस्ट एक एक्सटेंशन बाय करना है, और ये हमारे बालों के लिए एक परफेक्ट काम करेगा। इसका कलर मेरे बालों से बहुत मिलता है, तो इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई ज्यादा पहचान नहीं पाता कि हाँ मैंने हेयर एक्सटेंशन यूज किया। तो इसलिए जो भी हेयर एक्सटेंशन चूज करें, आप अपने बालों के कलर पे ज्यादा ध्यान दें, कि अगर आपके कलर बालों का ब्लैक है तो आप ब्लैक चूज करें, और अगर आपके बालों का कलर ब्राउन है तो आपको फिर ब्राउन एक्सटेंशन चूज करना है। फुल लुक मैंने इधर साइड में अटैच कर दिया, पहले भी मैं इसे एक बार यूज कर चुकी हूँ, तो आप उसका लुक देख सकते हो कि इस लुक के साथ ये हेयर स्टाइल कितना जच रहा है। इसका भी लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ। और अब जो है उनमें से ज्यादातर मैंने ओपन नहीं किया है, तो फर्स्ट इसके अंदर है, देखते हैं कि ये कैसा आया है। जैसा आया था वैसा ही मैंने रखा हुआ है। ये बहुत ही लॉन्ग एंड इसका कलर शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बालों से मैच नहीं करेगा। वैसे मैंने ब्राउन कलर में ही चूज किया था, हल्के से ना डार्क लाइक ब्लैक कलर में, बट बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है इनका, बहुत ही सिल्की सिल्की। क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है, कि अगर आप बालों को लंबा करने के लिए यूज कर रहे हैं, आई मीन लॉन्ग दिखाना है, तो अकॉर्डिंग टू उसके मुझे बाल काफी थिन नजर आएंगे। चलिए हम यूज करके देखते हैं कि हमारे बालों में मैच करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके बालों का कलर कुछ इस तरीके से ब्लैक है, तो कलर ब्लैक है, ये डार्क ब्लैक नहीं है, समथिंग ब्राउन इज ब्लैक या ग्रे कलर में जो ब्लैक होता है ना, ये वो वाला ब्लैक है,
तो मैं इसे यूज करके देखती हूँ कि किस तरीके से मेरे बालों में नजर आएगा। वैसे मेरे बालों की लेंथ इससे ज्यादा ही होगी, तो इस तरीके से पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, अच्छे से मैं सुलझा लेना है। एंड देन फिर मैंने बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर पोर्शन को इस तरीके से क्लच से टक कर देना, देन हम इसे जो भी ये पिन्स हैं इन्हें अपने बालों में टक कर देंगे और उसके बाद फिर हमें ओपन कर देना। जैसे मैंने अपने बालों को फ्री छोड़ा, ये मेरे बालों में नजर ही नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा कलर सेम है और बालों की लेंथ मेरी बहुत ज्यादा है और बाल वैसे भी मेरे इतने सॉरी इस तरीके से मेरे बालों में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाउंस एंड थिकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपके बाल शॉर्ट हैं या पतले हैं तो फिर आपके बालों में बहुत घनापन आएगा, और अगर शॉर्ट हैं तो आपके बाल इससे लंबे भी हो जाएंगे। देखो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके है, इसकी जो क्वालिटी है हेयर्स बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, आप आराम से बाय कर सकते हो। प्राइस इसका 207 रुपीज है। इसमें आपको और भी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको वो परचेज करना हो तो आप वो बाय कर सकते हो। आप डेली तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन जब भी अगर आपको पार्टी या फंक्शन के लिए कोई हेयर स्टाइल क्रिएट करना है, देन आप इनका यूज करके इसके ऊपर अपना कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट मैंने ये हाइलाइट्स बाय किए हैं और ये बहुत ही सुंदर आए हैं। इसमें 5 टिकटैक अटैच हैं जिन्हें हम अपने बालों में टक कर सकते हैं, एकदम रियल लग रहे हैं और ये बाल बहुत ही स्मूथ आए हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बालों में हाइलाइट्स का यूज करना है, मीन्स आप हेयर स्टाइल क्रिएट करें उसमें हाइलाइट्स की जरूरत है, देन आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हो। लेंथ काफी अच्छी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे नजर आए विद हाइलाइट्स तो आप इनका यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई भी बन हेयर स्टाइल या हैवी हेयर स्टाइल बना रहे हो ना, तो उनमें ये काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि बालों में अगर मैं इन्हें अंदर की तरफ यूज करूंगी तो ऊपर से फिर वो नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ना वेवी टाइप के भी अभी हो रखे हैं। और अगर आप इन्हें यूज कर रहे हैं तो आपको पहले बालों को प्रॉपरली स्ट्रेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कर्ल करना चाहते हो तो पूरे बाल ही आपको कर्ल करना पड़ेगा इनके साथ ही। थिकनेस हेयर की काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं आए हैं, तो फिर वो बालों से पूरा कवर हो जा रहा है, नजर ही नहीं आ रहे, जो भी हाइलाइट्स है वो अंदर की तरफ ही छुप जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से फ्रंट में इन्हें करती हूँ, फ्रंट हेयर की तरह यूज करती हूँ, तो बहुत ही सुंदर लुक मिल रहा है। जितने भी हाइलाइट्स थे वो मैंने फ्रंट की तरफ कर लिए, आगे बाल रख लिए और आप देख सकते हैं कि अलग से ही नजर आ रहे हैं। या फिर आप इन्हें इस तरीके से पोनीटेल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, आप परचेज करना चाहते हैं, हाइलाइट्स का यूज करना चाहते हैं, देन आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इनका प्राइस है सिर्फ 188 रुपीज, 200 के अंडर में आपको ये बहुत ही नेचुरल एंड ओरिजिनल दिखने वाले हाइलाइट्स मिल रहे हैं। बस थोड़ा इस तरीके से यूज करना कि छपरी वाला लुक, अलग से डिफरेंट लुक ना आए, हेयर में ही अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएं। आप इन्हें बाय कर सकते हो, मैंने इनका लिंक एंड कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट ये वाला तो आपके जरूर बहुत ही काम का होने वाला है। ये एक रेडी टू वेयर पोनी टेल है जिसे आप आराम से अपने बालों पे यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत पतले ना और आप पोनी टेल बनाते हैं, हाई पोनी टेल बनाते हैं और वो बहुत ही पतली पतली नजर आती है, इसलिए आप पोनी टेल बनाना अवॉइड करते हैं, देन आप इससे बिल्कुल सेव करके या परचेज करके रख लीजिए। बालों की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी आई है, बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और अगर आपके बाल इस तरीके से डार्क ब्लैक कलर में ना, तो फिर ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। मेरे साथ तो यही पंगा हो रहा है कि मेरा जो कलर है बालों का वो थोड़ा सा ब्राउनिश है, तो ये अलग से नजर आ रहा, ऊपर से थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, यानी कि मेरे बाल अलग से ही नजर आ रहे हैं, तो दिख रहा है कि मैंने हाँ हेयर एक्सटेंशन यूज किया है। सबसे अच्छी बात है कि इसे यूज करना बहुत इजी, यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 में हुक मिल जाएगा, तो जस्ट आपको पहले पोनीटेल बनानी है और उसके बाद इन हुक्स को उसमें अटक करने के बाद, और ये 2 इस तरीके से रिबन दे रखे हैं और रिबन को हमें पोनी में इस तरीके से फोल्ड करते हुए नॉट कर देना, और जैसे लगेगा कि हमने कोई अलग से, इतना ज्यादा मतलब पता नहीं चल रहा है कि हमने कोई अलग से हेयर एक्सटेंशन या पोनीटेल का यूज कर रखा है, और जस्ट आपकी एक बाउंसी एंड थिक वाली पोनीटेल रेडी हो जाएगी। मैं तो इसे अपने लिए रख लेती, बट मेरे ये किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे बालों से मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन आप इसे जरूर परचेज करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अलग से कोई ऐसा नहीं हेयर एक्सटेंशन बहुत ही महंगा करवाने की जरूरत है या महंगा परचेज करने की जरूरत है, बिल्कुल परफेक्ट एंड ओके। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ब्राउन कलर नहीं था, अदरवाइज मैं ब्राउन कलर परचेज कर लेती। इसका प्राइस है 246 रुपीज। इसका कोड एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है ये हीट कर्ल्स। इनका कलर ठीक है, हल्का सा ब्राउनिश कलर जा रहा है, नेचुरल बरगंडी वाला, बट पता है ये प्रॉब्लम वही आ रही है कि थोड़ा सा थिन आए हैं, बहुत ही पतले लग रहे हैं, और अगर आप कर्ल यूज करते हो तो कर्ल में बाउंस नजर आना चाहिए। बट फिर भी मुझे ठीक लगा कि अगर सम टाइम एमरजेंसी में ऐसा होता ना कि हमें कर्लिंग नहीं करनी है और जस्ट हमें बालों में कर्ल दिखाना है, तो आप इनका यूज कर सकते हो, लेकिन ये मिड लेंथ वालों के लिए है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं
तो आप कितना भी इन्हें नीचे टक करेंगे फिर भी वो छोटे ही रह जाएंगे और आपके बालों में अलग से नजर आएंगे। बट अगर आप बालों को ओपन कर रहे हो ना, तो फिर इसका आप जब यूज कर सकते हो जब आपको पूरे बाल अपने भी बालों को कर्ल करना पड़ेगा, देन अगर आप इसे यूज कर रहे हो अटक कर रहे हो बालों में, तो बालों में अलग से थिकनेस नजर आएगी, मतलब बाल बाउंसी और घने नजर आएंगे। तो अगर मैं भी अपने पूरे बालों को कर्ल कर लेती ना और उसके बाद मैं इसे यूज करती, तो फिर वो पता नहीं चलता कि हमने अलग से कोई हेयर एक्सटेंशन यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक मैंने एक बैंग्स भी बाय किए थे, मे बी वो होंगे इसमें या कुछ और। ये कलर में बहुत ज्यादा डार्क आए हैं, ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर है, तो शायद ही मेरे बालों में अलग से ही नजर आए। बट ये बिल्कुल कोरियन स्टाइल वाले बैंग्स हैं, देखते हैं लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से नजर आएंगे। और इन्हें इस तरीके से मेरा तो पूरा मुंह छुप जाएगा। ओह वाओ, इट्स लुक टोटली डिफरेंट ऑन माई फेस, बट वाओ मैं शायद चाइनीज लग रही हूं इनमें। बट एक मिनट, मैं ना बिंदी निकाल देती हूँ। ओ या वाओ, नॉट बैड यार, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ओरिजिनल तो नहीं लग रहे हैं, बट कलर वाइज अगर देखो इतना भी डिफरेंट नजर नहीं आ रहा है, जस्ट मेरे कलर में मैच, बालों के कलर में मैच करें, पर थोड़े से अजीब लग रहे हैं ना, मतलब कटिंग अच्छे से नहीं कर रखी है और इनमें मैं बिल्कुल एक चाइनीज या डॉल की तरह दिखाई दे रही हूँ। तो ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा अजीब लग रहे हैं, ये मेरे फेस पे बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ, ये वेस्टर्न आउटफिट पे अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक हेयर स्टाइल आपको क्रिएट करके दिखाया है एक वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि आपको परचेज करना चाहिए नहीं चाहिए। इनकी हेयर की क्वालिटी तो ठीक है, नेचुरल हेयर लग रहे हैं। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्क्रंची का भी यूज किया है, जिसके थ्रू इनका यूज करने के बाद एक डॉल वाला, मतलब एक अलग से डिफरेंट बन के साथ लुक मिल रहा है। तो अगर आपको बाय करना है तो मैंने इनका लिंक एंड कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। प्राइस की बात करें तो सिर्फ है 155 रुपीज। तो अगर आपको वैसे फोटोशूट वगैरह करवाना है या एक डिफरेंट लुक क्रिएट करना है, देन आप इनका यूज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक आधे लुक के लिए बैंग्स को कट कर देना, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पूरे इस तरीके से आगे आके डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो। बट अगर वैसे डेली यूज करोगे तो फिर शायद अच्छे ना लगे। तो इनका भी आपको कोड एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पैकेट है ये, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने कुछ कर्ल्स एंड एक ना पोनी टेल और मंगाई थी, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो आई थिंक ये भी कर्ल्स ही हैं या फिर कुछ और। वाओ, ये कर्ल्स हैं और ये थोड़े से ना थिक एंड लॉन्ग आए हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से इनमें ना अलग से बाउंस नजर आ रहा है। आप चाहें तो एक साथ दो तीन एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, जिससे थिकनेस और ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। यू कैन सी कि ये काफी ज्यादा थिक हैं और लेंथ भी काफी अच्छी है, बाउंस भी, और बिल्कुल ओरिजिनल एंड रियल नजर आ रहे हैं। अगर मैं भी अपने बालों को कर्ल करूंगी तो मेरे बालों की भी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया और सच में काम के लग रहे हैं। मैं ना यूज करके देखती हूँ, जस्ट मैं ऊपर से यूज कर रही हूँ, अलग से मैं ना हेयर को उस तरीके से ऊपर नहीं करना। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें कुछ हेयर में चेंज देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे हेयर को कर्ल कर देंगे ना, कर्ल्स कर देंगे, तो उसके बाद फिर बालों में एक अलग से बाउंस नजर आएगा। अभी कुछ बाल स्ट्रेट हैं इस तरीके से, कुछ कर्ल है, तो बिल्कुल डिफरेंट लुक मिल रहा है। बट ये आपके काम का हो सकता है, आप इन्हें बाय कर सकते हो। लेंथ भी काफी अच्छी है और ये शॉर्ट एंड मिड दोनों लेंथ। इनका प्राइस है 252 रुपीज, तो देखा जाए तो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। नेक्स्ट मैंने सेम कर्ल बाय किए, बट वो ना थोड़ा हाइलाइट्स में है और बिल्कुल डिफरेंट लुक प्रोवाइड करेंगे। जिस तरीके से वो स्ट्रेट वाले हाइलाइट्स थे, सेम हमने ऐसे ही हाइलाइट्स कर्ल में बाय किया है। तो अगर आप इन हेयर एक्सटेंशन को यूज कर रहे हैं कर्ल वाले, और साथ में बीच बीच में इनको भी यूज कर रहे हैं, तो एकदम मिक्स हो जाएगा इस तरीके से और बहुत ही थिकनेस आ जाएगी बालों में, एकदम डिफरेंट लुक मिलेगा आपको, बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा, बालों में बहुत ज्यादा बाउंस नजर आएगा, तो बिल्कुल नेचुरल एंड रियल हेयर लगेंगे आपको। जस्ट आपको इन्हें अंदर की तरफ दो लेयर में पिन कर देना। तो अगर आपको बाय करना है ना, तो साथ में ये भी बाय कर लेना, ताकि जब भी आप पार्टी या फंक्शन के लिए बालों में कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं या ओपन भी रख रहे हैं बालों को कर्ल करने के बाद, तो आप दोनों को यूज कर सके, ताकि डिफरेंट लुक मिल सके। ये मैंने बाय किया सिर्फ 182 रुपीज में, मीन्स 200 रुपए से भी कम में। तो
सॉरी मर्जी है आपकी, परचेज करना हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पैकेट है ये, मैंने एक पोनी टेल बाय की थी स्टेट में, पता नहीं वो वाला पैकेट कहाँ है। ये मैंने कुछ लिंगरीज बाय की थी मीशो से, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी में आई है, बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। शायद वो इस बॉक्स में हो तो मैं इसे ओपन करके देखती हूँ। यस, वाओ, इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है एंड बालों में थिकनेस भी है, आई मीन बाल थिक भी नजर आ रहे। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना इन्होंने क्लच का यूज कर रखा है, तो मे बी ये क्लच नजर आएगा जब हम पोनी में टक करेंगे, बट फिर भी एक अलग से अच्छा लुक मिल सकता है। तो आप चाहें तो इसे एज अ पोनी बनाने के बाद यूज कर सकते हैं, आई मीन पोनी टेल बनाने के बाद यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे क्लच लगाते हैं ना फोल्ड करके बालों को उसके ऊपर, उस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड इस तरीके से क्लच को लेना है एंड देन आप टक कर सकते हो, इसके बाद आपके बालों की लंबाई बढ़ जाएगी इस तरीके से। एंड यू कैन सी कि लेंथ भी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसका चाहे तो ब्रेड भी बना सकते हैं अलग से। ये भी काफी कमाल का लगा मुझे, यू कैन सी, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। देखिए हम मेरे बाल अलग से इसमें दिखाई दे रहे हैं, बट वो इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे बालों को फोल्ड कर रखा है, तो हमें बहुत अच्छा एंड नेचुरल एक बालों वाला लुक मिल सकता है। वैसे ये बाल बिल्कुल रियल ही लग रहे हैं, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई एक्सटेंशन यूज कर रखा है। प्रॉपरली पोनीटेल बना के करेंगे ना तो बढ़िया लुक मिलेगा। अभी तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने अलग से एक्सटेंशन लगाया, क्योंकि मेरे बाल भी अलग से ही नजर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, आप इन डिफरेंट हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप पोनी टेल बना के क्लच को अटैच करें, या फिर आप ब्रेड वगैरह भी बना सकते हैं। तो जैसे चाहे आप वैसे यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इनका भी आपको लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा हॉल हेयर एक्सटेंशन का, आपको इनमें से क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट किस हॉल के टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं ये भी कमेंट करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।